झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों यानी चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को मतदान होना है। चतरा सीट पर बीजेपी से कालीचरण सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार के अंतरपार्टी चुनावी मैदान में हैं। इस बीच जनता का मूड क्या है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजीत ने। यह परसही ग्राम चतरा संसदीय क्षेत्र के लातेहार जिला अंतर्गत यह अति सुदूरवर्ती क्षेत्र परसही ग्राम है। चुनाव का मौसम आ गया है, लोगों में कितने उत्साह है चुनाव को लेकर अभी हम लोग जानेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भाई मौजूद हैं। ये चुनाव को लेकर क्या कुछ विकास का मुद्दा है आपका, क्या कुछ चाहेंगे सरकार से कि हमारा यह मांगे पूरी हो, क्या कुछ है क्षेत्र की समस्या? क्षेत्र में विकास हमारे हिसाब से दिखिए नहीं रही, क्योंकि आज तक जो भी जीतता है अपना ऐसे मजबूत होता है, मैंने अपना जैसे जगह धर लेते हैं। यहाँ क्षेत्र में कहाँ आते हैं ग्रामीण के, कोई आज तक समस्या थोड़े सुने हैं। और हमारे यहाँ देखिए तो 30% से 40% तक सब पलायन करने चल गए हैं बाहर। अभी वोट देने के लिए है से अभी जाइए तो ताला लॉक मिलेगा हर एक घर में। लातेहार परसही गाँव में कम से कम यहाँ हमारे परसही गाँव में हमारे घर जाके देखिए यहाँ दो घर में ही ताला बंद है। मतलब कि लोग पूरा फैमिली चल रोजगार के लिए लोग पलायन कर जाते हैं। हाँ, है ना, तो मुझे है रोजगार जीत जाते हैं तो जिसे यहाँ रोजगार मिलता तो पलायन करने बाहर नहीं जाते है ना। तो वही है बाहर ऐसे सब चले गए हैं। अच्छा अच्छा, तो मुद्दा है रोजगार की। हाँ, रोजगार क्षेत्र में रोजगार हो ताकि लोग पलायन ना करें। इस बार चुनाव को लेकर किन विकास मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करेंगे, वोट को लेकर कितनी उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे नल जल का पानी का व्यवस्था नहीं है। घर घर जो पानी पहुंचाने की बात आई अभी तक मिला नहीं। अब ये देखिए अपर चुनाव में हमारे सांसद के अगर कालीचरण सिंह आते हैं तो कुछ सुझाव देंगे जरूर, ग्रामीण क्षेत्र में सहमत देंगे, उनका समस्या हम जनता के सामने रखा जाएगा, वो सुनेंगे, समाधान करेंगे। यहाँ रोजगार को लेकर क्या कुछ आधार है, रोजगार कैसे लोग यहाँ पर रोजगार काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या है आधार यहाँ का रोजगार में है कि पलायन करने के लिए बहुत लोग चल गए। मैं हमारे गांव में काम देते तो बाहरी आदमी पलायन करने के लिए जाते नहीं। लोग इस क्षेत्र से रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं, जिला प्रशासन द्वारा 100% मतदान कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इधर गांव-गांव में लोग रोजगार के लिए महानगर को पलायन कर चुके हैं। ऐसे में 100% मतदान कराना कितना मुश्किल है वो आप समझ सकते हैं। लातेहार से निजोलन भारत के लिए अजीत कुमार का रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।